भाई फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहे भाई जिंदगी में। बहुत ही ज्यादा मेहनत होता है गाइस। अगर आप लोग कोस्तो अगर मैं ये हाथ छोड़ दिया ना, ये दोनों हाथ, तो ये देखो। ओ भाई खेत में तो काफी ज्यादा रोनित भाई काफी ज्यादा मेहनत करता है, तो मैं भी आज उसका साथ देने वाला है, जो कि कैसा मेहनत करता है और कितना मेहनत करता है मैं भी देखने वाला है, और कितना मेहनत होता है मैं भी ये ट्राई करने वाला है, ठीक है ना। आज जा रहे हैं हम लोग रोनित भाई का खेत में, तो देखते हैं वो लोग का खेत कैसा है और कैसा धान चावल लाता है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया, तो आज पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ रोनित भाई का साथ में। और ये आंटी जी और ये उनका घर, हाँ ये आंटी जी काम कर रहे कुछ, और लेकिन हम लोगों का मम्मी को भाई। और एक बात की इसका मम्मी जो कि मर चुका है बोल रहे, और ये देखो इतना उदास से बैठा हुआ है ना, क्यूट सा है देखो भाई। चलो अभी जाने के लिए निकला हुआ है, और देखो रोनित भाई पीछे में साइकिल में बैठ गया, तो चले ओ भाई फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहे भाई जिंदगी में, तो काम सीख रहे गाइस अभी मैं भी, ये सब काम हम लोगों में जो कि गाइस ऐसा खेती वगैरह नहीं करता है, तो ये सब का काम मतलब करने के लिए नहीं मिला बेटा, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस देखो। तो कुछ इस तरीके से बांध दिया देखो कितना ज्यादा है भाई, सब दोनों साइड में पूरा दो दो, अभी ऐसे लेके जाने वाला साइकिल से, और एक तो लेगा बोल रहे हमें। हाय रोनित भाई, कुछ भी अभी बांध के रेडी हो चुका है, जो कि देख सकते हो आप लोग, ये कुछ इस तरीके से बांधना चाहता है, जो कि काफी ज्यादा बांध दिया साइकिल, अभी इसको बस ठेल के लेके जाना है और घर तक पहुंचाना है। अब क्या हो गया, फंस गया, कैसे फंस गया, फंस गया, ऐसे उठा 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 कितना कष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत होता है गाइस। अगर आप लोग कष्ट अगर मैं ये हाथ छोड़ दिया ना, ये दोनों हाथ, तो ये देखो। ओ भाई ना डर ना भाई, खेत बारी मत करो गाइस, इसी तरह से कष्ट भोगना पड़ेगा। ओके गाइस फिलहाल अभी धान ये सब बिकते बिकते पूरा शाम का समय हो चुका है, और अभी हम लोग का लास्ट टाइम होने वाला है, और एक बार आने वाला है हम लोग तो खत्म आज के लिए, क्योंकि शाम हो रखा है, तो अब सनसेट का व्यू दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद। गाइस धान वन ला के अभी देखो इतना ज्यादा हो चुका है, देखो कितना ज्यादा लाया हम लोग, देखो भाई देखो। इधर काफी जल्दी से आ गया था सनसेट का व्यू दिखाने के लिए, बट सनसेट का व्यू दिखा नहीं पाया यार, तो थोड़ा हमारा सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए सका है, तो देखो सनसेट उधर मतलब शाम का समय हो चुका है, और थोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। तो गाइस शाम का समय में कुछ इस तरीके का लगता है, जो कि देख सकते हो गाइस हर तरफ धान का खेती, और पूरा बीचों बीच में हम सभी मुंह हाथ धो के फ्रेश हो चुका है, और अभी रोनित भाई को दिखाता हूँ मैं, जो कि अभी काम कर रहे हो
यहाँ पर देखो गाइस रोनित बॉडी हार्ड वर्किंग पर्सन है गाइस, इतना काम करता है, देखो इतना रात हो चुका है, देखो अभी कहाँ में तैर के काम कर रहा है, काम इट इज द करना पड़ेगा। ओ भाई अबे हालत दिखा दो, खतरनाक क्या हालत दिखेगा। ये देखो ये अंकल जी काम कर रहे और उसका ये छोटा भाई इतना काम कर रहा है भाई, क्या बोलेगा। और फ्लेक्स लाइफ में ये होता है गाइस, इतना रात को काम करके कैसा फील हो रहा है, कालुआ कालुआ, रात को काम करने से कालुआ नहीं होता है। तो फाइनली गाइस आज मैं इस भाई को एमआर एसपी ब्लॉक मतलब सुप्रभात भाई को बहुत ज्यादा मेहनत करने को दिया है। झूठ बोल रहे गाइस, झूठ बोल रहे, सार सार बार आ गया था गाइस, क्या ही बोल, रास्ता जो खाल था ना बहुत मेहनत हो गया आसाम में नहीं, ये झूठ बोल रहे गाइस, एक्चुअली ऐसा बात नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा काम था, ये अकेला था और तो मैं साथ दिया था थोड़ा सा, बस वही थोड़ा सा थोड़ा सा, ये ज्यादा ही बोल रहे, थोड़ा सा थोड़ा सा धान वगैरह लाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा सिनेमैटिक शॉट बना था, वो तो थोड़ा सा दिखा लिया होगा, चेहरा कलवा बन गया क्या, नहीं 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 हैंडसम है एकदम हैंडसम, बोले तो झकास, कमेंट सेक्शन में बोल देना, जोर से बोलो ना, कमेंट सेक्शन पर बोल देना गाइस, ओके क्या बोलना है, कालुआ बना है कि नहीं, कालुआ तो बना गा, रोनित भाई कैमरा ऑन है, इधर देखो इधर देखो कि कैमरा, ए हाय क्या हुआ, बोलो भाई बोलो क्या, ये पर सोते हैं रोनित भाई और मैं, अभी थोड़ा मोबाइल वगैरह भी चार्जिंग करना पड़ेगा, और रूम जो कि हम लोग का, मैं अगर टाइम मिलने से नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब दिखाने के लिए कोशिश करूंगा होम टूर, जो कि रोनित भाई का अगर परमिशन होगा तभी, तो होम टूर दिखाने के लिए कोशिश करेगा, और फिर देखते हैं और कहीं पर जाने का भी प्लानिंग है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने वाला है इधर का मतलब लखीमपुर का ये एरिया, सामने वाला देखने वाला कि कैसा कैसा जगह मिले मतलब देखने के लिए मिलता है, और काफी अच्छा सा व्यू भी है बोला है, तो देखते रहना ब्लॉग को, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आया है रूम में फिर से, और अभी मोबाइल का चार्जिंग लगाना है, और देखो ये भाई रोनित भाई ट्राइपॉड वगैरह यूज करता है यार, ओ भाई भैया भाई कितना महंगा माइक, देखो गाइस 7 लाख 3 लाख, देखो भाई इतना महाजन मानस है, ओ भाई देखो क्या महंगा वाला एयरफोन यूज करता है भाई, अरे ये क्या क्या निकल रहा है, ओ भाई न्यू फोन, इसका प्राइस है 16 लाख, भाई बहुत अमीर बंदा है, देखो ये 11 लाख का, ये 16 लाख का, और ये देखो मनी पास, और ये चार्जर कितने का, 2 लाख का चार्जर, 2 लाख का बुलाए, और ट्राइपॉड 3 लाख का, भैया माइक 7 लाख का, देखो भाई। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद है तो लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे इधर का जकातरा घूमने के लिए, और होम टूर भी दिखा देंगे, ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, टाटा।